और ये तीनों ये एक तरीके से जो है फ्राई करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करना है ताकि सारे का सारा टेस्ट जो है ना, आप ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम न्याज बनाएंगे जो कि मैं खुद बनाऊंगा। तो आप लोगों ने मेरे साथ पूरी वीडियो में रहना है, आपने देखना है कि मैं क्या करता हूँ और कैसे कैसे हम न्याज बना रहे हैं, और उसके बाद हम तकसीम भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फेज में। सबसे बुरी बात ये हुई है कि ये आप देख रहे हैं रिक्शा खड़ा है, उसके सामने शॉप जो है बंद है, और नाश्ते वाले की जो शॉप है ना उसने बंद रखी हुई है। तो हमारा नाश्ता जो है ना वो आज यहाँ से कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल नाश्ता होने की वजह से सब चल जाएंगे, पूछते हैं इनसे इन्होंने क्या नाश्ता करना है। तो जैसे ही फिर ये बताएंगे हम इनसे वो नाश्ता ला के देंगे। लेकिन मेरा पसंद का नाश्ता था जो बस मिला मुझे। गाइज ये मैंने जो है ना प्याज अब काट लिए, हाफ डालना फिर बाद में वो डालनी है। ये तकरीबन हाफ पैकेट हमने एक और इसमें ऐड किया है, लेकिन बाकी का जो है हम बाद में करेंगे। इसमें देखते मैं घी डाल लिया। ओए पुत्र साइड क्यों? तो अब आप देख सकते हैं कि जनाब ये मैं अभी घी इसमें मेल्ट हो रहा है, आग जो है वो दूसरी आग है हमने लगाई हुई सिलेंडर वाली, आपको पता है कि दूसरी आग जो है। और सेकंड में आपको ये दिखाता चलूँ, ये तकरीबन मैंने प्याज किया होगा और ये जो है हरी मिर्च है, आप ये देख सकते हैं ये हरी मिर्च है, और ये टमाटर है, ठीक है, और ये जो है आप देख सकते हैं चिकन है और ये तीनों ये घी पड़ा हुआ है, और ये जीरा है, इसमें अदरक लहसुन है, नहीं खाली लहसुन, इसमें लहसुन है और इसमें अदरक का पेस्ट है, ये गरम मसाला सारे का सारा डिब्बियों में, तो ये हम आपको बाद में भी दिखाएंगे। तो ये गरम मसाला उसमें है, उसके बाद जो है अब हम इसमें सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे ताकि हम जो लहसुन है उसको अच्छे तरीके से उसको कर सकें। चावल जो है वो रहीला को मैंने दिए हुए हैं कि वो भिगो दे, और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी सबसे पहले लहसुन का पेस्ट, हमने लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब जो है इसको अच्छे तरीके से जो है फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करना है कि इसमें से स्मेल ना आए, और ये पूरी 10 किलो की देग तैयार होगी, और देग जो है एक किस्म की वो अली तैयार करेगा इन देग के। और आज हम देखेंगे कि अली भाई हर घर वालों के लिए तो मज़े का बना लेते हैं, देग कैसी बनती है। फर्स्ट टाइम मैं 10 kg जो कि ऑलमोस्ट 20 kg की देग बन रही है, क्योंकि 10 kg से ज़्यादा जो है चिकन मैंने लिया है, 10 kg राइस लिए हैं, तो ये मैं खुद बना रहा हूँ, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है।
और नो डाउट अली जो है कुक बहुत अच्छा है, आगे पीछे भी ये घर में कुकिंग करता है और बहुत ही मज़े की करता है। और आज ये बना रहा है जी, इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना इसको फ्राई करेंगे ताकि जो जितनी भी स्मेल है ना इसकी सारी वो ख़त्म हो जाए। तो फिर ऐसा ऐसा हम इंग्रेडिएंट जो है इसमें ऐड करते रहेंगे और आपको मैं दिखाता भी रहूँगा तो आपको मज़ा आएगा। और आप जो है मेरे साथ ये रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं घर में, लेकिन क्वांटिटीज जो होगी चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स की वो आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है, क्योंकि मेरा ये ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसको अपने मुताबिक ज़्यादा के मुताबिक इसको रखा हुआ है। तो आपको पता है कि फिर जब क्वांटिटी ज़्यादा हो तो बताया भी नहीं जा सकता कितनी क्वांटिटी में मैं ले रहा हूँ। जो है इसका पेस्ट जो है मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ, और सुबहान पास बैठा हुआ मेरे, मैं नहीं जा रहा था कि सुबहान के ऊपर खींचेंगे तो इस वजह से मैंने जो है ना इसको नीचे वो कर लिया, क्योंकि नीचे ऑयल है और वो छींटे पड़ेंगी। तो अब मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये बस आप ये देखें कि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ, और देखते हैं कि अब ये थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन हो चुका है। तो अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं, वरना आप इसको अपने मुताबिक जो है इसको जो है लाइट ब्राउन कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बात बताऊँ, दही में लाना भूल गया और मैंने अब्बू को भेजा है दही लाने के लिए, अब्बू दही लेने के लिए गए हुए हैं और मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं बना रहा हूँ। और बाहर मोंकी भी आया, मोंकी भी आपको दिखाएंगे कि बाहर मोंकी वाला जो गाड़ी है वो उसको तब तब करके दिखा रहा है आपको। ये बाहर से भी थोड़ा सा नज़ारा मोंकी का भी दिखाते हैं। तो हम इसमें प्याज डालने लगे हैं ताकि प्याज भी जो है ना साथ ही साथ मिक्स होता जाए। तो आपको पता है कि फिर जो है ना अगर दोनों चीज़ें जो है बराबर पे जो है वो होनी चाहिए। तो ये मेरी मशीन ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ये सब बीच में रह गया। तो अब ये जो दोनों है ना इसको मज़ीद इन दोनों को मज़ीद जो है ना मैं वो करूँगा ताकि इनमें से ना हमें थोड़ा सा लाइट जो गोल्डन हो जाएगा, गोल्डन पन इसमें आ जाए, ज़्यादा मज़े का सालन लगेगा, जो कौरमा लगेगा बिरयानी का वो ज़बरदस्त लगेगा। तो पहले मैंने इसलिए सबसे पहले मैंने किया लहसुन को, लहसुन के बाद मैंने अदरक डाला है ताकि दोनों को मिक्स करके उसको बनाया जा सके। अब मैंने प्याज इसलिए ऐड किया है कि तीनों जो है ना अच्छे तरीके से जो वो हो सके ब्राउन हो जाए और वो गोल्डिश गोल्डिश का इनका कलर आए, और जब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो न्याज खाएगा ना इंशाल्लाह सबको मज़ा आएगा। और बस हमें यही चाहिए कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इधर हो जाओ। हाँ जी हाँ जी। डब्बियों में गरम मसाला है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, अब जो है इसको हम सब सारा गरम मसाला जो है इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको अब अच्छे तरीके से जो है ना हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं ये नमक है, लाल मिर्च है और ये इन सबको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे। ओके, अब जो है इसमें मीट जो है वो ऐड करेंगे, गोश्त को।
अभी ये टमाटर हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये ग्रीन चिली, इसको मैं सारी नहीं ऐड करूँगा, कम ऐड करूँगा क्योंकि मैंने दूसरी जो मिर्च है वो भी बहुत ज़्यादा ऐड की है, तो इसको क्योंकि तीखी ना बिरयानी ज़्यादा हो जाए तो इसको मैंने बात रख लिया थोड़ा। बिरयानी मसाला जो हम इसमें, बिरयानी मसाला स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब जाएगा इसमें साथ दही, अब इसमें हमने दही ऐड कर दी है, ये तकरीबन 1 kg के करीब दही है जो मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये हमने सारा कुछ ऐड कर लिया है इसमें, अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको मिक्स करना है ताकि सारे का सारा टेस्ट जो है ना हमारा इक्वली ऐड हो। और चम्मच आपने इस तरीके से चलाना है कि आपका जो गोश्त है वो ना टूटे, क्योंकि ये मैं अक्सर गलती करता हूँ, मैंने कभी कभी कुकिंग करनी होती है। हनी क्यों रो रहे हो? मम्मी को जंप करना। चलो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस अंदर तक जो इसमें ना मसाला जो है ना ये सारा इसको लग जाए। ओके, ये अब जो है ना राइस जो है वो बॉयल होने लगे हैं, तो पानी जो मैंने पहले उबल रहा रखा हुआ था तो मैंने कहा पानी का मैं क्या देखूँ, और ओके जी अब ये हम इसमें जो है ना हमारा सालन आप देख सकते हैं तैयार हो गया होगा, तो अब हम इस सालन को इस गोश्त इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके भाई ने जो है ना बिरयानी रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं मेरे पास ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने 3 बर्तन में इसको डिवाइड किया और ये बन चुकी है। और अब हम इसका फेस देखेंगे, ये लुक इसकी कैसी है, फिर जब हम खाएंगे आपको तब भी बताएंगे कि भाई बिरयानी कैसी, टेस्ट कैसा है बिरयानी का। आप ये देख सकते हैं क्या लुक आ रही है इसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारी आपके भाई ने बनाई है, और आपके भाई ने ये जो बिरयानी बनाई है ना, अब इसके हम डब्बे बनाएंगे, इसकी पैकिंग करेंगे, फिर बच्चों को तकसीम करेंगे और लोगों को घरों में भी देंगे इंशाल्लाह ताला, जितना हो सका हम इसको तकसीम करेंगे, तो अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। आप भी दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये देखें ये माशाल्लाह, ये इतने आप देख सकते हैं ये इतने ज़्यादा बने हैं, और ये मेरा हनी 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 इसमें आप आ रहे हो हनी बेटा, ये देखें हनी साहब भी बहुत खुश हैं और हनी सरप्राइज है, हम सुबह से क्या कर रहे थे ये देखते हुए, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, दुआ करें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ?
तो बच्चों ने आज जो है ना बहुत ज़्यादा थका दिया, तो आज का व्लॉग यही भी एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अली रजा व्लॉग को ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।